आप लोगों को बुलाने के लिए हम बुलाए, आप लोग आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमारे वाइफ और हम पे जो हमला हुआ है उसी के लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं। ये बढ़िया विधानसभा के विधायक, प्रेजेंट विधायक संभादुर सिंह के इर्द गिर्द रहने वाले अपराधी अमन कुमार ने लगातार दूसरी बार घटना का अंजाम दिया है। हमें और हमारे पत्नी को जान से मारने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, विधायक जी के करीबी है। न जाने क्या हमने गलती किया है जो विधायक जी बराबर ऐसे लोगों को से भेज कर घटना हमारे साथ करवा रहे हैं। कल हम लोग बाल बाल बचे हैं, हम और मेरी वाइफ। विधायक जी के दाहिना हाथ माने जाते हैं, ये बगल गांव में बैठते हैं, वहीं पर ये लोग को संरक्षण मिलता है। ये पूरे जवार के लोग जानते हैं, इस इलाके के लोग जानते हैं कि किसके संरक्षण उन लोगों को प्राप्त है। जो अपराधियों द्वारा जो मोबाइल हम लोग ग्रामीण जनता प्राप्त की है, वो मोबाइल CDR निकाला जाए तो पता चल जाएगा जो किसके संरक्षण में रहते हैं। क्यों आपकी हत्या करना चाहेंगे? राजनीति में बढ़ते कदम को देखते हुए उनको घबराहट हो रही है, चिड़चिड़ापन हो रही है, इसीलिए चाह रहे हैं। आए दिन पहले भी कुछ एक हत्या हुई है यहाँ सुरेंद्र पटेल जी का बच्चा का, वहाँ भी उन्हीं के इर्द गिर्द के लोग रहने वाले लोग हत्या किए हैं। फिर दूसरे बार मेरे पर कल अटैक किए हैं, हो सकता है आने वाले दिन में हमारी भी हत्या हो जाए। इसीलिए हम आप लोगों के माध्यम से कहना चाहते हैं जो प्रशासन सुरक्षा का व्यवस्था करें, नहीं तो अगर आगे ऐसी घटना होगी तो प्रशासन जिम्मेवार होगा और यहाँ के वर्तमान विधायक संभादुर सिंह जिम्मेवार होंगे। अगर नहीं जांच करेगी उसके बाद पार्टी के सभी आंदोलन के लिए तैयार हैं, आंदोलन करेंगे। कल जो पिस्टल से गोली चलाया अमन कुमार, उसका पिस्टल के लिए अभी तक प्रशासन छापेमारी भी नहीं की है, इसके लेकर बहुत हम लोग दुखित हैं। जब अभी कितनी नींद, गहरी नींद में प्रशासन सोई है, जब अभी तक एक भी घर में जाके प्रशासन उनके छापेमारी नहीं की, अभी तक उसका पिस्टल भी बरामद नहीं हुआ जिस पिस्टल से गोली चलाया हम पे और हमारे पत्नी पर। जी बिल्कुल, स्थानीय विधायक के दबाव में प्रशासन उसको ढील दी है। तो आखिर क्या संबंध है अमन और विधायक श्याम बहादुर सिंह का, क्या रिश्ता है? बहुत क्लोज रिश्ता है, आए दिन हम एक और प्रूफ देंगे, बहुत जल्द देंगे। उनके काफ़ी क्लोज रिश्ता है, आप बंगाली पकड़ी में स्थित लोग के यहाँ बैठते हैं, वो अपराधी का वहाँ बैठक उठक रहता है, वो लोग संरक्षण दे रहे हैं। विधायक जी का ही हाथ है? जी एकदम श्योर कह रहे हैं जो उनके लोगों के हाथ है। तो फिर आपने FIR विधायक जी के नाम पे क्यों नहीं कराया? FIR इसलिए नहीं, विधायक जी तो नहीं चलाए, उनके लोग चलाए हैं, चलवाया गया है, इशारा है उनके, जो इसको जल्दी साफ करो नहीं तो आने वाला चुनाव है। साजिशकर्ता के रूप में बढ़िया विधानसभा विधायक श्याम बहादुर सिंह हैं। आवेदन दे सकते थे कि साजिशकर्ता हैं श्याम बहादुर सिंह? आवेदन में हमने साजिशकर्ता में नहीं दिया। तो क्या इस बात की किसी अधिकारियों से आपने सूचना दी या बताया उनसे? जी SP साहब को कल 4 बार हमने फोन किया, चारों बार में दूसरा कोई उठाया फोन, रिसीव करते थे कोई दूसरा, लेकिन बात नहीं हो रहा है SP साहब से। नहीं तो हम SP साहब से हम खुद जाकर इसके बाद हम मिलेंगे और फोन अगर करके मिलेंगे उनसे। आखिर हमला करने के पीछे कारण क्या है, क्या कुछ राजनीतिक द्वेष है या फिर कुछ और? राजनीतिक द्वेष बढ़ते हमारे कद को देख कर तिलमिला उठे हैं बढ़िया विधायक जी, इसी के लेकर लगातार अपने गुर्दों से हमला करवा रहे हैं हमें। क्या बढ़िया से अभी तैयारी में है विधानसभा के लिए? बढ़िया पार्टी निर्णय लेगी, हम तो 8 विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, जिला अध्यक्ष हैं, पार्टी जो निर्णय लेगी वो हमको मान्य है। क्या लगता है अभी भी आपको खतरा है उन लोगों की तैयारी? जी अभी कल शाम को उनके गुर्दों ने यहाँ 5 के संख्या में आकर इधर से हमारे घर के सामने से क्रॉस किए, प्रशासन को हमने इस बात को सूचना दी, प्रशासन आया और आधा घंटा में बैठ के चला गया। बताइए रात बिरात उनके गुर्दे इतने हैं जो इस इलाके के लोग जानते हैं, हम तो अलग है, इस इलाके के लोग जानते हैं, 50 की संख्या में उनके गुर्दे इधर दिन भर घूमते रहते हैं, वो लोग कभी भी हमको आ सकता है, कभी भी प्रिय घटना हो सकती है। हम प्रशासन से मांग करेंगे जो इस इलाके में गश्ती बढ़ाएं और सुरक्षा मुहैया करें। इसमें बहुत लोगों का नाम आ रहा है, किनके द्वारा यह सब साजिश की गई है? देखिए राजनीतिक के बढ़ते कदम के तौर पे ऐसा सब साजिश किया जा रहा है।
ये दूसरा कांड था, दूसरा बार इन पे अटैक किया गया था। इससे पिछले बार भी अटैक किया गया था, इस बार फिर भी अटैक किया गया। उसमें मेरे पति थे और हम थे, दोनों आदमी पे गोली चलाया गया। हम मांग करेंगे यहीं कि गार्ड पास किया जाए, सुरक्षा ज़्यादा दिया जाए, क्योंकि कभी भी दुर्घटना घट सकता है। इस साजिश में कहा नहीं जा सकता है कि किसका हाथ है, लेकिन राजनीतिक के बढ़ते कदम को देखते हुए कोई भी ये कांड कर सकता है। प्रशासन से किस तरह की मांग करना चाहती हैं? प्रशासन से ये मांग करेंगे कि सुरक्षा बढ़ाए, कभी भी दुर्घटना घट सकता है। श्याम बहादुर सिंह का नाम नहीं है आपके पति, कितनी सच्चाई है इसमें? हो सकता है ये सच्चाई के तौर पे, हो सकता है सच है।